माइकलसन मॉर्ले ने यह साबित कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइट की रफ्तार वैक्यूम में कभी नहीं बदलेगी, वैक्यूम में हमेशा फिक्स रहेगी। और लाइट को ट्रेवल करने के लिए लुमिनोफेरस ईथर नाम के हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। माइकलसन मॉर्ले के एक्सपेरिमेंट को फिजिक्स के इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट माना जाता है, क्योंकि इसी के फेलियर ने तो बताया था कि ईथर नाम की कोई चीज नहीं होती और लाइट की रफ्तार फिक्स है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये तीनों बातें बहुत अच्छे से पता थी। अब देखो एक वैज्ञानिक दिमाग की खुराफात। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा, अगर वो लाइट के साथ रेस लगाएं और किसी तरह से लाइट की रफ्तार तक पहुंच जाएं, तो उनके लिए लाइट और लाइट के